तो गाइस आज हम लोगों का है तीसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं गोकुल। तो भाई अपनी टीम रेडी है, बोलो राधे राधे। तो चलो चलते हैं, अज्जू दादा बिल्कुल रेडी हैं, आज उनको कुछ का डर नहीं है भाई। चलो चलो आज तो नहीं बनेगी भाई, चलो क्या होता है। अरे वो देख नहीं रहा है गाइस। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अभी एक बज चुकी है और हम लोगों को जाना है गोकुल दर्शन करने के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं गुरुद्वार का दीश की जय। दोनों द्वारका में खड़ी भाई। सब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब जा रहे हैं गोकुल के लिए। तो चलो चलते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा लगा जवाब भाई। सभी आ गए हैं हम लोग तानसेन, अब जा रहे हैं गोकुल के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर है गोकुल, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मिल गई है हम लोगों को बस गोकुल के लिए। तो गाइस ये रहा गोकुल का गेट अंदर जाने के लिए। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रमन रेत और फिर उसके बाद जाएंगे जहाँ पर वो 84 खम्भे लगे हुए। तो गाइस अब जा रहे हैं हम रमन रेत ही, तो बोलो राधे राधे राधे। तो गाइस एरा हिरन पार्क और भाई ये बैठे हुए हैं हिरन, देखो भाई कितने सारे हैं। तो गाइस अभी हम हैं रमन रेती में और यहाँ पर है हिरण का पार्क जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और अब जा रहे हैं हम लोग रमन रेती जहाँ पर वो लीक है, चलो चलते हैं। तो गाइस 4 बजने वाले हैं और गेट खुलने वाला है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रमन रेती अंदर और भाई देखो क्या मस्त लकड़ी का पूरा बना हुआ है, तो कर ले तो भी गर्म तो रही से पानी डाल देंगे। अरे भाई सब कर रहे भाई, देखो यहाँ पर फूल लगे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं देख रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज है ना दा। और यहाँ पर एक थाली आली भंडारी की रखी हुई है। तो गाइस रमन रेती घूमते घूमते हम लोग आए यहाँ पर तालाब में और भाई बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे भाई सच में। तो गाइस ये रमन रेती के अंदर है ये तालाब। तो गाइस अभी हम लोग घूमते जा रहे हैं और आप भी वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक।
तो गाइस यहाँ पर गौशाला है बहुत बड़ी, यहाँ से मतलब वहाँ तक पीछे तक गौशाला ही गौशाला है। और अब हम लोग जा रहे हैं शायद यमुना घाट, हम लोगों को पता तो कुछ नहीं है लेकिन घूमते जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है हम लोगों को बहुत ही। तो हम लोग जा रहे हैं सीधे ऐसे रही यमुना जी, हम लोग आ गए हैं रास्ते में ढूंढते ढूंढते उस साइड रतन रमन रेती। और ये यहाँ पे यमुना जी का घाट भाई, अभी हम लोग हैं यमुना जी के घाट पर। और भाई देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये जो बरसी लगी हुई है, जो ये जो गाय पलती है ना उनके लिए लगी हुई है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं वापस और अब जा रहे हैं रमन रेती के दर्शन करने, क्योंकि अभी हम लोगों ने परिक्रमा लगाई थी तो दर्शन नहीं किए थे, अब हम लोग करेंगे दर्शन। तो चलो अब रमन रेती चलते हैं जहाँ पर कान्हा जी खेला करते थे, और ये तालाब है छोटा सा जहाँ वो नहाया करते, जो भी करते रहेंगे गायों के लिए पानी आने की व्यवस्था थी यहाँ पर, गायों को खिलाया करते थे पानी। तो अब अपन चल रहे हैं दर्शन करने के लिए रमन रेती। ऐसे यहाँ पर हो रही है मूवी की शूटिंग, तो आप देखते हैं कौन से हीरो है क्या कुछ हो रहा है। तो भाई सब हम लोग जा रहे हैं अंदर, आ रहे हैं भाई गाइस। तो भाई से यहाँ पर रमन रेती और यहाँ पर कीर्तन भजन हो रहे हैं गाइस, और यहाँ पर लोग बहुत खेलते हैं इस रेत में। तो चलो अपन भी चलते हैं। और यहाँ पर ये भागवत आगवत जब होती है तो स्टेज बना हुआ है, तो बोलो राधे राधे। गाइस ये है रमन रेती जहाँ पर कान्हा जी खेला करते थे। और गाइस देखो कितना सारे लोग यहाँ पर लेट रहे हैं भाई। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर 84 खम्भे लगे हुए हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मंदिर पास और यहाँ पे मंदिर है, तो चलो अंदर चलते हैं जूता उतार के। तो गाइस ये कृष्ण भगवान के जन्म का पेड़, तो देखो कितना पुराना हो गया है। और अब चलते हैं अंदर, यहाँ 84 खंभे लगे हुए हैं, बोलो राधे राधे। तो गाइस देखो ये खंभे लगे हुए हैं यहाँ पे जो कि बहुत पुराने हैं गाइस। तो गाइस आई होप आपको ब्लॉग में मजा आया होगा, अगर पार्ट 4 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।